सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बारी गांव में 4 अक्टूबर को अपहरण के बाद 8 अक्टूबर को मिले बालक के शव को हत्या करार देते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि गांव के रिश्तेदारी में आए दो युवकों ने मृतक बालक आदर्श सिंह से मोबाइल के जरिए दोस्ती बढ़ा ली थी और उसका अपहरण कर उसके परिजनों से मोटी रकम फिरौती के रूप में वसूलना चाहते थे, लेकिन खोजबीन और पुलिस की मुस्तैदी के कारण अपनी योजना में सफल नहीं हो पाए तथा आदर्श सिंह की हत्या कर दी और उसके शर्ट को अपने पास रख लिया, जिससे वो उसके परिजनों को दिखाकर रुपए हासिल कर सके, लेकिन मामला उल्टा निकला। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में दो अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इनकी पहचान गोपालगंज बिहार के थाना मीरगंज के बड़का गाँव निवासी मुकेश पांडे पुत्र दूधनाथ पांडे तथा संत कबीर नगर जिले के धनघट्टा थाना क्षेत्र के मझौरा निवासी गौतम पांडे पुत्र कृष्ण शंकर पांडे के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से आला कत्ल डंडा, मृतक का चप्पल, खून लगा शर्ट, एक चाकू तथा एक मोबाइल बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घटना के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, आपके पूछ रहे तारामंडल वाला किलर पकड़ा गया था, किलर पकड़ा गया अभी दोनों। ये थाना सिकरीगंज के अंदर ग्राम बारी गांव के अंदर 4 अक्टूबर को एक लड़का गायब हुआ था। इस संदर्भ में 364 का अभियोग थाना सिकरीगंज में 22 तबा दो लोगों के ऊपर शक के आधार पर लिखा गया था। 8 अक्टूबर को उस बालक की डेड बॉडी वहीं गांव में आगे बरामद हुई थी खेत के अंदर। घटना का अनावरण करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया। एक का नाम मुकेश पांडे है जो कि जनपद गोपालगंज बिहार का रहने वाला, दूसरा गौतम नाम का लड़का। इन लोग की कॉमन रिश्तेदारी जो थी वो उसी गाँव में थी। जो हत्या करने का उद्देश्य है उसके पीछे जो उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया, जो परिस्थिति साक्ष्यों से पुष्टि हो रही है वो ये है कि ये फिरौती हेतु इस घटना को अंजाम दिया था। इन लड़के को ये मोबाइल के कुछ समय से इन्होंने मित्रता कर रखी थी और मोबाइल के माध्यम से अकेले मिले गए थे। उसके बाद उसके ऊपर सर से डंडा मार के हत्या कर दी थी। उसका डेड बॉडी वहाँ छोड़ने के बाद ये शर्ट को इन्होंने अपने घर पर रखा था और इनका प्लान ये था कि शर्ट को यूज़ करेंगे, उसके साथ लिखा पढ़ी में कागज भेज के वहाँ से ये फिरौती हेतु पैसा मांगेंगे। लेकिन गांव के अंदर जब ढूंढाई चालू हो गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची तो इनको ये पता लगा कि इनको ऐसा आभास हुआ कि ये जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो ये डेड बॉडी फर्दर डिस्पोज नहीं कर पाए और जो शर्ट इन्होंने रखी थी अपने पास में उसको ये यूज़ नहीं कर पाए एज अ पार्सल भेजने के लिए और मौके से ये लोग फरार हुए। पहली सूचना गांव में आई थी कि एक लड़का मिसिंग है, उसके बाद ये सूचना आई 3 लड़के मिसिंग हैं। जैसा मैंने बताया 8 तारीख को डेड बॉडी बरामद हुई थी, उसके अनावरण करते हुए इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल इसके अंदर रिकवर किया है, दोनों लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया है, धाराएं तरमीम करके बाकी विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। सर कितने पैसे मांगने थे इन लोगों का? इन लोगों का प्लान ये था कि जो मुकेश है ये बिहार से आया था, इसका ये कहना था कि वहाँ पर इसके ऊपर कुछ उधार हो गया था, वहाँ पर पैसे का तगड़ा था इसके ऊपर होने लग गया था 40,000 से 50,000 रुपये का। गौतम भी इसका रिश्तेदार ही है और ये भी आर्थिक रूप से इनका ये कहना है कि हमारे पास कोई नहीं था, पैसे का सूत्र नहीं था। प्लान इन लोगों ने किया था कि 10 लाख अथवा 15 लाख रुपये का फिरौती मांगेंगे और उसके आधार पर जो भी पैसा मिल जाएगा हम लोग ले लेंगे। क्योंकि लड़के की हत्या कर चुके थे इसलिए उसका ऑडियो या कुछ वो यूज़ करने का इनकी वो नहीं था और साथ ही साथ लड़का इनको पहचानता था तो इन्होंने इसकी हत्या कर दी और उसकी शर्ट एज अ प्रूफ रखना चाह रहे थे कि लड़का हमारे कब्जे में है तो उस आधार पर फिरौती मांगते। घर से कितना दूर ले गए थे इसको? जी घर से कितने दूर ले जा करके इस कहते हैं? ये करीबन गांव का ही मजरा है जहाँ पर जो घटना हुई है, वो गांव का ही हिस्सा है जहाँ पर इन्होंने घटना की। गिरफ्तार हुआ है दोनों, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। ऊपर इनाम घोषित किया था घटना की भी 22 तबा लिखी थी। घटना के बाद ये फरार हो गए थे, तो पोस्ट होने के आधार पे उनके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया।